हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए इंट्रोडक्शन, जिसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज हमारी जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे बेटा। जो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हमने कहा a प्लस बी इक्वल टू सी, ए और बी और सी कोई इंटीजर क्या है? इंटीजर है। a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी ऐड किया या फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं a b इक्वल टू सी। जैसे मान लिया मैंने इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, कोई नंबर को ऐड करेंगे तो आ गई, ठीक है ना? या कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, तीसरा नंबर आएगा, है ना? तो ये हमारा क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, है ना? ये कौन सी प्रॉपर्टी होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी, यानी कि कोई भी नंबर है उसमें हम उसको सीधा ऐड करें, a प्लस बी a में b ऐड करें या फिर b में a ऐड करें, है ना? तो आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है, आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना? जैसे ये फॉर एग्जांपल आप 5 + 7 = 7 + 5, दोनों को ऐड करो, चाहे पहले 7 में लिखो चाहे बाद में लिखो, 5 तक ऐड करना है दोनों का, ठीक है? ये हमारी क्या है? कम्यूटेटिव, ठीक है? नेक्स्ट a इनटू b, b इनटू a, तो ये भी सेम रहेगा, है ना? चाहे 5 का पहले में लिखो, 5 का 7 में मल्टीप्लाई करो या 7 का 5 में मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 35 ही रहने वाला है ना? तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन, है ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है a प्लस b प्लस c, या तो पहले a को ऐड करें उसके बाद c को ऐड करें, या फिर पहले b और c को ऐड कर लें उसके बाद a ऐड करें, तो ये क्या होता है हमारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों के आंसर इक्वल ही आ चुके हैं। जैसे देख लिया मैंने यहां पर देखो 5 प्लस 9 प्लस 3 इसमें इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 9 प्लस 3 या तुम दोनों को पहले ऐड कर लो, है ना? आंसर हमारे सेम रहने वाले हैं। जैसे मैंने ले लिया 9 और 5 कितना है 14 प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 9 3 कितना हो जा रहा है 12, ऐड करो बेटा इन दोनों को कितना है, कितना है 21, सॉरी ये 9 का 14 और 3 है, है ना? ऐड करो इन दोनों को कितना आने वाला है, ऐड करो इनको 17 आने वाला है, इनको भी ऐड करो 17 आने वाला है। दोनों को ऐड करने पे सेम नंबर आने वाले हैं, है ना? या फिर इनको पहले ऐड कर लो बाद में ऐड कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ना? ये तीन नंबर होने एसोसिएटिव, देखो मल्टीप्लिकेशन की एडिशन की है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन की है ना? ऐसी क्या है? मल्टीप्लिकेशन की है। ओके, तो b इनटू c, यानी कि इसको करते हैं सॉल्व, या तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई या फिर प्लस हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इनटू 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 और इनटू, ठीक है बेटा? तो देखो यहां से क्या 9 का 45 लिखेंगे इनटू 3, 5 इनटू 9 3 का 27, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा? 45 3 का 150 कितना आएगा? 45 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पूरी मात्रा कितना आएगा? 135 आएगा। क्लियर? तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना?
जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी है और आपके सिलेबस में बहुत जरूरी भी है। ठीक है, हम लोग इसके एग्जांपल देंगे इस साइड में, राइट साइड में, और प्रॉपर्टी के नीचे। ओके, जैसे ले लिया हमने ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी, फिर साथ देखो पहले एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो कितना आएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस बीच में था तो प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस में था माइनस का साइन लगा देंगे ना, ए इंटू सी हो जाएगा, ए इंटू सी। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, एक पर ही आ जाता हूँ। ठीक है, सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ले लो ए इक्वल्स टू फाइव, बी इक्वल्स टू फोर, सी इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, फाइव इंटू फोर प्लस थ्री इक्वल 5 into 4 plus 5 into 3। ओके, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 into पावर 3 का 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 इक्वल 5 टू द 20 प्लस 5 की जगह 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 35, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखने की है ना, और ये आपके 9th 10th क्लास का, मतलब जब तक पढ़ते हो ना मैक्सिमम की वजह से है कि जब तक पढ़ेंगे तब तक का काम ये आ सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखेंगे। इसमें ये कहिए एडिशन की है, ऐसी सब्ट्रैक्शन होता है, बी माइनस इक्वल क्या आएगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ प्लस का प्लस लगा दो, माइनस माइनस लगा दो, ऐसे में सॉल्व करके दिखा दीजिए आपको, है ना। तो बेटा इसमें यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बनाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, तो 5 बन जाए 5 ऊपर 15 में से 20 में से 15 माइनस होगा 5, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारा, ये प्रॉपर्टीज हमारी ये कंप्लीट हो जाती हैं। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिल द ब्लैंक्स है, तो यहां पे देखो बेटा, यहां पर 70 इनटू डैश लिखा हुआ है, डैश डैश इनटू 70 यहाँ पर लिखा है, तो दोनों को इक्वल करना है, तो 25 को मल्टीप्लाई करें 17 में और 17 का मल्टीप्लाई करें 25 में, हमने पढ़ी है ना अभी, तुम्हारा क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लिकेशन किया गया आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि नंबर खाली से क्या होगा ना, और हमने पढ़ा है किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 15, वही नंबर आता है सी, तो वही नंबर आएगा, नंबर हमारा कितना था 15, 15 में 0 ऐड करेंगे 15 ही तो आएगा, किसी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 ऐड करें और 1 मल्टीप्लाई करें तो नंबर हमारे सेम रहते हैं, है ना, 0 नंबर ऐड करेंगे इसमें या 1 मल्टीप्लाई करें तो नंबर हमारे सेम होंगे, 5 6 हो जाएगा। डिवीजन बाय डैश इज नॉट डिफाइंड, किसके द्वारा डिवीजन जो है, किसका डिवीजन डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होता, तो हमने पढ़ा है किस चीज़ को, हाँ जीरो से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, नॉन डिफाइन आता है इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, जैसे ये लिखा है 7.0 तो ये इसका आंसर हो जाएगा नॉन डिफाइन, ठीक है नॉन डिफाइन, है ना, अगर 0.7 लिखा है तो इसका आंसर हमारा जीरो आएगा, है ना, किसी नंबर से जीरो को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा जीरो आएगा, अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा नॉन डिफाइन आएगा। ओके क्लियर, तो देखेंगे नेक्स्ट, होल नंबर नॉट क्लोज अंडर, होल नंबर कौन से नंबर, होल नंबर जो है कौन से प्रॉपर्टी को क्लोज नहीं होती है, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, डिवीजन में हमारा नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यही कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको वैल्यू को मैं सुटेबल अरेंजमेंट करके उसको आंसर निकालते हैं, है ना,
सुटेबल अरेंजमेंट करते हैं जिससे हमारा ऐड करना क्या हो जाए सिंपल, ऐड करना क्या हो जाए सिंपल। देखो बेटा लास्ट में देखेंगे किस नंबर को ऐड, दो नंबरों को ऐड करने का लास्ट में जीरो मिलेगा, तो हमने देखे ऐसे नंबर ये 5 और ये वाला 5, इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा जीरो मिलेगा। ओके इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा 635 प्लस 365 प्लस 409। ओके इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा 1000 आता है प्लस 409। अब जो ऐड करना बहुत आसान हो गया है ना, बी पैसे को हम ऐड करते हैं तो व्हाट टाइम लगता है 9599 अरेंजमेंट कर देते हैं तो आंसर हमारा जल्दी निकल आता है। ठीक है तो देखेंगे बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है 1409 ये हमारा आंसर। अब देखो इसमें बेटा कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में जीरो मिलेगा, तो देखो ऐसे 2 और 15 है ना, कितना है 2 × 15 और ये जो 1345 और हमने पढ़ा था अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि आगे पीछे किसी नंबर को ऐड कर लें या सबट्रैक्ट कर ऐड कर लें या डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर सकते, डिवीजन में काम नहीं करेगा, डिवीजन में तो गलत हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे कितना आया होता 100 × 1345 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1345 00। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें हमें सुटेबल अरेंजमेंट करके क्वेश्चन नंबर जिसको किया था हमने वैसे इसमें करना है, इसमें भी हमें सुटेबल अरेंजमेंट करने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे ऐसे टू नंबर्स देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने से लास्ट में क्या मिलेगा डबल जीरो या जीरो मिलेगा। तो हमने देखा था 4 और 25 है, 4 और 25 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना मिलता है 100 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे वाला नंबर पीछे लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीछे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ दी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 100 × 2 5। ओके और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 2 5 2 डबल। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसके नेक्स्ट वाला ये इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 और 625 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लास्ट में क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। तो 9 × 16 × 625। ठीक है आगे पीछे कहेंगे तो इसको पहले भी 625 को पहले मिला 16 को 20 तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है तो 9 × इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 10,000 आएगा। ठीक है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 3 हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें हमें क्या यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। किसका यूज करना है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a × b + c ये एस एडिशन वाली है लेकिन यहां पे सबट्रैक्शन है सबट्रैक्शन इक्वल टू a × b − a × c। ठीक हो जा ध्यान देंगे देखो ये इस टाइप का हमें आंसर आ रहा है। a मान लो इसको b मान लो इसको a मान लो इसको b मान लो इसको a मान लो इसको c मान लो इसको तो यहाँ क्या करना है लेट a इक्वल टू 1,67,64 और b इक्वल टू 189 c इक्वल टू 179। ओके सॉल्व कर लो इसको देखो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे c किसकी जगह ये लिखते हैं हम ये लिखते हैं क्या आएगा a यानी b 764 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी अब यहाँ पे डायरेक्टली लगा कोई प्रॉब्लम नहीं मल्टीप्लाई
189 minus 179. ठीक है बेटा, तो इन दोनों को मैं इन दोनों को देखेंगे 764 into इन दोनों का सबट्रैक्ट करने पर कितना आ जाता है। ठीक है बेटा, इन दोनों को मैं कितना कितना आ गया 764 जीरो, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सेम, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं सॉल्व खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर आएंगे आपको 6, तो देखेंगे बेटा इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है, इसको यूज करना है सुटेबल प्रॉपर्टी, इसका यूज करके इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो हम यहां देखो कैसे लिख सकते हैं 600 प्लस 2, इसको ऐसे ले सकते हैं 100 प्लस 2 ऐसे ले सकते हैं। चलिए देखेंगे बेटा, तो 102 इसको हम ऐसे ले सकते हैं, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a इनटू b प्लस सी इक्वल टू क्या होता है a इनटू b प्लस a इनटू c 620 a इनटू 100 पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगा देंगे, इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे 620 a इनटू 2 बेटा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 620 a प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 16 16 1 2 4 1 5 और 2 6 12, ये आ गया। अब इन दोनों का इन दोनों का ऐड करना, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, प्रॉपर्टी लगाने का क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, ऐड करो कितना आएगा 56, 8 में 12 करेंगे कितना आएगा 20, 1 कैरी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 6 5 6 हो जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे बेटा ये वाला। अब देखो हमें सुपर नंबर होता कि नंबर पहले लिखा है या बाद में लिखा है। ठीक है, तो देखो 1005 है, ये हम इसको तोड़ना, यानी कि 1005 में ब्रेक करना ही ज्यादा इजी है। इसको हम ब्रेक करते तो 100 प्लस 30 प्लस 4 करके ब्रेक करना पड़ता है, हम करेंगे ब्रेक, अदरवाइज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 1000 प्लस 5 इंटू 134, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तब हम प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, अपने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया है और डायरेक्ट भी सॉल्व कर। ठीक है, तो 1000 कितना हो जाएगा 1000 34 इंटू 1000 प्लस 134 इंटू 5। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना 1 3 4 1 2 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 0 2 5 3 15 और 7 7 1 क्या है और 5 5 5 1 6 670 आ गया। ओके, तो ये हो गया। अब देखो बेटा इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 6 1 3 4 1 3 4 6 7 0, दोनों को ऐड करेंगे डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई करते हैं बहुत टाइम लगता है ना, अदरवाइज सेम सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड वाला आप खुद से कर सकते हो, मैं लिख दिया हूं केवल, जैसे आपको ब्रेक करना है तो इतना है 451 into 100 को ब्रेक कर लिया, 451 into 100 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग के ही सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे हैं मोहनलाल परचेज्ड 35 क्रिकेट बॉल्स फॉर
रुपीस 350 ईच, 350 रुपए, यानी 350 रुपीस की एक बॉल खरीद, एक बॉल है, ऐसी उसने कितनी बॉल खरीदी है, 35 बॉल्स खरीदी, ठीक है, और 35 फुटबॉल भी खरीदी है उसने, है ना, 35 फुटबॉल भी खरीदी है उसने, 35 फुटबॉल कितने रुपए की खरीदी है उसने, उसमें से एक फुटबॉल है तुम्हारी 650 रुपीज की, 35 फुटबॉल खरीदी है उसने, उसने उसमें से एक फुटबॉल की रेट कितनी है, 650, ठीक है, तो बताना है तो उसने कितने रुपए परचेज किए, यानी कितने रुपए उसने स्पेंड किए हैं, खर्च किए, यानी कि टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो मोहनलाल परचेज 35 बॉल्स और एक मिनट 35 बॉल्स फॉर रुपीस 1 कितने की है और ईच कितने का है, ईच कितने की है, रुपीज 350, एक बॉल जो है 350 रुपए, ठीक है, तो मोहनलाल ने तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो मोहनलाल परचेज 35 फुटबॉल और ईच, ईच कितने खरीदी उसने, 650 रुपीज, ठीक है, तो बनाने से कितना टोटल स्पेंड किया है, हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ठीक है, देखो बेटा दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगा, यहाँ पे लिखते हैं टोटल स्पेंड, मोहन का टोटल स्पेंड मनी टोटल स्पेंड मनी ये है निकाल, ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देंगे, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 35 बॉल की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई करते हैं 35 × 350, ठीक है, और प्लस कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, क्योंकि इसने फुटबॉल भी तो खरीदी है, ठीक है, तो एक फुटबॉल की कॉस्ट कितनी थी, 650, तो 35 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 35 × 650, अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो 35 कॉमन दोनों में रहता है तो 35 बाहर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 350 प्लस और यहाँ पर 650, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा 35 × इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 1000, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने रुपीस खर्च किए उसने, 35,000 रुपीस खर्च किए उसने, कितने खर्च स्पेंड किए हैं, 35,000 रुपीस स्पेंड किए हैं ना, तो यार ये भी लिख सकते हैं मोहनलाल स्पेंड या स्पेंड मनी 35,000 टू परचेज बोथ टाइप ऑफ बॉल्स, ओके बोथ टाइप ऑफ बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यही कंप्लीट हो जाता है, हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे फिर हमारी एक्सरसाइज ये है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है गुरनाम सिंह लिव्स इन हॉस्टल, गुरनाम सिंह एक हॉस्टल में रहता है ना, विच चार्जेस 60 रुपीज फॉर लंच, जो 60 रुपए लंच के लिए चार्ज करता है, डिनर के लिए कितना रुपीज देता है वो, एक हॉस्टल के लिए लंच के लिए कितना चार्ज करता है 60 रुपीज, और डिनर के लिए फिर वो 40 रुपीज चार्ज करता है ना, हॉस्टल वाले जो है लंच के लिए तुम्हारे 60 रुपीज चार्ज करते हैं और डिनर के लिए 40 रुपीज चार्ज करते हैं, ठीक है, तो बताना है कि उसने 15 दिनों में 15 डेज वो वहां रुका है तो 15 डेज में उसने कितने रुपए स्पेंड किए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे
चार्ज फॉर डिनर, चार्ज और लंच फॉर वन डे रुपीस 60, लंच के लिए 60 रुपीस चार्ज करता है एक दिन के लिए 400, ठीक है। तो चार्ज ऑफ लंच फॉर 15 डेज, उसमें 15 दिन होता है, 15 दिन में लंच किया होगा रुपीस मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 15, ये आंसर निकल के आएगा, वो रुपीस में निकल के आएगा, ठीक है। अब उस चार्ज किसके लिए करता है, चार्ज ऑफ डिनर फॉर एले, एक दिन का चार्ज डिनर कितना है रुपीस 40 to 50, ये का कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू बनती है, चार्ज ऑफ डिनर फॉर 15 डेज, 15 दिनों का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो थोड़ा 15 का, मैं कितना ही करता हूँ अब का अपन मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। 40 into 15, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे ही पे 15 days, चार रुपीस 15 दिनों के लिए 15 रुपए, 15 days 15 दिनों के लिए उसने इतना चार्ज पे किया होगा, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इन दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना 60 into 40 15 plus 40 into 15, तो बेटा इसमें कॉमन क्या लगता है, 15 कॉमन लगता है, 15 लिख दिया एक बार अपने यहाँ 60 लिखा, तो इसमें से 15 कॉमन मिलेगा, 15 ले लेंगे बाहर हम, ठीक है, और 60 यहाँ बचा और यहाँ कितना बचेगा 40, इन दोनों का ऐड करने से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 100 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो गुरनाम सिंह पे फॉर 15 डेज, गुरनाम सिंह पे फॉर लंच एंड डिनर फॉर 15 डेज इज 1500 रुपीज, 15 दिनों के लिए उसने कितने रुपए पे किए हैं 1500 रुपीज पे किए, यानी एक दिन में 100 रुपए खर्च करता होगा वो, है ना, लंच और डिनर के लिए, है ना। तो क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज भी हमारी यही कंप्लीट हो जाती है, ओके।